क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस वीडियो में मैं कंपेयर करूंगा एक सिंपल एकॉस्टिक गिटार को एक सेमी एकॉस्टिक गिटार के साथ। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपके लिए डिसाइड करना हो जाएगा बहुत इजी कि कौन सा गिटार आपके लिए सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे एक सिंपल एकॉस्टिक और एक सेमी एकॉस्टिक में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे मेरे पास दो कॉर्ड AD810 हैं। सामने से अगर आप देखेंगे तो दोनों ही सेम लगते हैं, लेकिन जो डिफरेंस है वो साइड से पता लगता है। ये है कॉर्ड AD810E और ये है कॉर्ड AD810। देखिए, अब मैं आपको साइड से दिखाता हूँ इसको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक इक्वलाइजर पिकअप मिल जाता है विद इनबिल्ट ट्यूनर, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जो ये दोनों गिटार है, बस इसमें ये एक पिकअप का ही मेन डिफरेंस है। बिल्ड क्वालिटी वाइज, साइज वाइज, साउंड वाइज, ये सब कुछ सेम है इनमें। प्राइस का भी थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। जो कॉर्ड AD810 है वो करीब आपको 8,500 का पड़ जाता है, और जो कॉर्ड AD810E है वो आपको करीब 11,500 का पड़ जाता है। इसमें जो 3,000 रुपये का डिफरेंस है वो इसके पिकअप का ही होता है और कुछ नहीं होता। तो एक प्लेन एकॉस्टिक गिटार आपके लिए सही है या एक सेमी एकॉस्टिक गिटार आपके लिए सही है, मैं इसको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर आप एक बेडरूम गिटारिस्ट हैं, या मैं कहूँ एक आप कैजुअल गिटार प्लेयर हैं जो कि बहुत ज़्यादा गिटार नहीं प्ले करते, लेकिन आपको एक अच्छा गिटार चाहिए, तो आप एक सिंपल प्लेन सा एकॉस्टिक गिटार ही लीजिए। सेमी एकॉस्टिक के चक्कर में मत पड़िए। अगर आप YouTube पे वीडियोस बनाते हैं, आपको YouTube पे कवर सॉन्ग्स डालने का मन करता है, या आप सिर्फ गिटार के रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं या ट्यूटोरियल्स बनाते हैं गिटार के, तो उसमें भी आपको सेमी एकॉस्टिक गिटार की ज़रूरत नहीं है। मुझे कई लोग कमेंट करते हैं कि हमें एक सेमी एकॉस्टिक गिटार चाहिए, और उनका बजट भी जो होता है करीब 10,000 के अंडर होता है। तो उसमें क्या रहता है, सेमी एकॉस्टिक गिटार से ना आपका जो बजट है वो काफ़ी लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि 10,000 के अंडर आपको कोई भी अच्छा ब्रांडेड गिटार नहीं मिलेगा सेमी एकॉस्टिक वर्जन का। तो उसमें ये रहता है कि आप एक प्लेन एकॉस्टिक लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि YouTube वीडियोस के लिए भी अगर आप नेचुरल साउंड कैप्चर करते हैं एकॉस्टिक गिटार की, वो ज़्यादा अच्छी आती है एज़ कम्पेयर टू कि आप एक सेमी एकॉस्टिक गिटार ले, उसको प्लग करें ऐप में और रिकॉर्ड करें, या आप सेमी एकॉस्टिक गिटार को डायरेक्टली अपने लैपटॉप में प्लग करके रिकॉर्ड करें। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो नेचुरल साउंड है एकॉस्टिक गिटार की वो काफ़ी अच्छी रहती है YouTube पर्पज़ के लिए, एज़ कम्पेयर टू कि आप एक सेमी एकॉस्टिक गिटार को एम्पलीफायर में लगाएं या उसको डायरेक्ट लैपटॉप में लगाएं। अगर आपको YouTube पे गिटार रिलेटेड वीडियोस बनानी है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप एक सिंपल एकॉस्टिक यूज़ करिए। अगर आप एक सेमी एकॉस्टिक गिटार खरीद चुके हैं तो भी परेशान मत होइए, आप उसकी नेचुरल साउंड ही रिकॉर्ड करिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ वो आपका बेटर साउंड करेगा एज़ कम्पेयर टू कि आप उसको ऐप में कनेक्ट करें या डायरेक्ट लैपटॉप से कनेक्ट करें। तो सेमी एकॉस्टिक गिटार बेसिकली उन लोगों को लेना चाहिए जो काफ़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रहते हैं, जैसे कि अगर आप स्कूल में हैं, आप म्यूज़िक कॉम्पिटिशन्स में या कल्चरल प्रोग्राम में परफॉर्म करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आपको जो है सेमी एकॉस्टिक गिटार लेना मस्ट रहेगा। अगर आप कॉलेज में हैं, आपका बैंड है, और अगर आप फेस्ट में परफॉर्म करते हैं, स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, वहाँ पे सेमी एकॉस्टिक गिटार ठीक रहता है, या अगर आप किसी पब में या रेस्टोरेंट में डेली बेसिस पे आप परफॉर्म करते हैं तो भी आपके लिए सेमी एकॉस्टिक गिटार लेना ठीक है, अच्छा है। अगर आप किसी म्यूज़िक बैंड में हैं जहाँ पे ड्रम्स हैं और इलेक्ट्रिक गिटार भी है, बेस गिटार भी है, कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स जब एक साथ होते हैं, तो वहाँ पे भी सेमी एकॉस्टिक गिटार ज़रूरी होता है। बिकॉज सेमी एकॉस्टिक गिटार से आपका जो गिटार का वॉल्यूम है वो काफ़ी बढ़ जाता है जब आप उसको एम्पलीफायर से कनेक्ट करते हैं, और ओवरऑल मिक्स में आपका एकॉस्टिक गिटार अच्छे से सुनाई देता है जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, जो स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होती है मोस्टली वो नेचुरल साउंड ही कैप्चर करते हैं एकॉस्टिक गिटार की, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा अच्छी निकल के आती है एज़ कम्पेयर टू जो साउंड आपकी एम्पलीफायर से आ रही होती है। तो ये तो थी यूसेज की बात कि सिंपल एकॉस्टिक गिटार किसके लिए है और सेमी एकॉस्टिक गिटार किसके लिए है। अब अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो प्राइस में भी काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मेरे पास कॉर्ड AD810 भी है और यहाँ पे कॉर्ड AD810E भी है, तो दोनों जो है सेम ही चीज़ है, सेम ही बिल्ड क्वालिटी है, सेम ही गिटार है, लेकिन एक पिकअप की वजह से जो है गिटार की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। सिंपल वाला कॉर्ड AD810 आता है करीब 8,500 का, और उसी का सेमी एकॉस्टिक वर्जन कॉर्ड AD810E वो करीब आता है 11,000 से 11,500 रुपये का। तो ये जो प्राइस का डिफरेंस होता है वो हर मॉडल में रहेगा। अगर मैं फेंडर CD60S की बात करूँ तो वो भी करीब 13,000 से 15,000 का आपको सिंपल वेरिएंट मिल जाता है। अगर उसी का सेमी एकॉस्टिक वेरिएंट की बात करूँ जो कि होता है फेंडर CD60SCE,
वो आपको करीब मिल जाता है 19,000 से 20,000 रुपए में। तो उसमें भी बस यही डिफरेंस होता है कि बिल्ड क्वालिटी तो वही है, वुड भी वही यूज़ हुई है, सब कुछ सेम है, फिनिश भी सेम है, लेकिन सिर्फ एक पिकअप की वजह से 4,000 से 5,000 रुपये एक्स्ट्रा लग जाते हैं। अब कॉर्ड में जो है पैसे इतने नहीं लगे, क्योंकि कॉर्ड के गिटार में जो है कॉर्ड का ही पिकअप मिलेगा आपको इस पर्टिकुलर मॉडल में। अगर फेंडर CD60S की बात करूँ तो उसके सिंपल और सेमी एकॉस्टिक वेरियंट में प्राइस गैप थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। उसका रीज़न ये है कि उसमें आपको मिलता है एक फिशमैन पिकअप, और फिशमैन जो है एक काफ़ी बड़ा ब्रांड है पिकअप्स का, तो इसलिए आपको जो डिफरेंस मिल जाता है वो काफ़ी मिल जाता है। ऑब्वियसली पिकअप जो है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। अगर मैं कॉर्ड की पिकअप से कंपेयर करूँ तो मैं आपको स्ट्रांगली एडवाइस करूँगा कि अगर आपके पास अच्छा खासा बजट भी है गिटार लेने का, तो सेमी एकॉस्टिक गिटार सोच समझ के लीजिए कि अगर आपकी नीड है तभी उसको लीजिएगा, वरना आप एक सिंपल एकॉस्टिक लीजिए। चाहे अच्छा बजट हो, सपोज आपके पास 15,000 ही हैं एक गिटार लेने के लिए, तो आप उसमें रादर की कोई सेमी एकॉस्टिक गिटार ले, आपको उसमें काफ़ी अच्छा प्लेन एकॉस्टिक मिल जाएगा। तो एक प्राइस पॉइंट में भी ये रहता है कि एक सेमी एकॉस्टिक गिटार और एक प्लेन एकॉस्टिक गिटार में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। तो मैं सबको ये स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ, जितना भी आपका बजट हो, अगर आपको सेमी एकॉस्टिक गिटार की ज़रूरत नहीं है, अगर आप स्टेज पे परफॉर्म नहीं करते या बहुत कम करते हैं परफॉर्म, तो भी मैं कहूँगा कि आप सिंपल एकॉस्टिक ही लीजिए, सेमी एकॉस्टिक को अवॉइड करिए। तो कुछ ऐसे भी गिटार्स होते हैं जिसमें कि कंपनी पिकअप लगा कर ही देती है और उसका कोई प्लेन एकॉस्टिक वेरियंट नहीं होता, तो वहाँ पर तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो उस सिचुएशन में आप इस तरीके के गिटार खरीद सकते हैं। तो एक और छोटे से डिफरेंस की बात करूं तो एक सिंपल एकॉस्टिक और एक सेमी एकॉस्टिक में जो डिफरेंस होता है वो वेट का होता है। वैसे तो एकॉस्टिक गिटार काफ़ी लाइट वेट ही होते हैं, लेकिन जो सेमी एकॉस्टिक गिटार होते हैं स्पेशली, जिसमें जो पिकअप है वो एक एक्टिव पिकअप है, बेसिकली जिसमें 3-band EQ और इनबिल्ट ट्यूनर मिलता है, उसमें थोड़ा सा वेट ऐड हो जाता है, क्योंकि ये जो पिकअप है ये बिना बैटरी के ऑपरेट नहीं होते। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जैक सॉकेट है जहाँ पे केबल कनेक्ट होती है, उसके साथ यहाँ पे बैटरी कंपार्टमेंट है, तो यहाँ पे 9 वोल्ट की बैटरी लगती है। तो ओवरऑल क्या होता है कि जो वेट होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू एक सिंपल एकॉस्टिक गिटार। तो बस ये चीज़ें बहुत छोटी सी हैं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको पता होना चाहिए। एक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप सेमी एकॉस्टिक गिटार लेने के सोच रहे हैं, तो आप वही गिटार लीजिए जिसमें कि आपको पिकअप मिल जाता हो इस तरीके का। तो इक्वलाइजर वाला पिकअप बहुत ज़रूरी है जब आप सेमी एकॉस्टिक गिटार ले रहे हैं, क्योंकि जो साउंड है वो उससे ही अच्छी से निकल कर आती है। और दूसरा जो फ़ायदा रहता है इक्वलाइजर का, कि आपको बार बार एम्पलीफायर में जाके सेटिंग्स चेंज नहीं करनी होती, आप अपने गिटार से ही सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं। कई गिटार्स होते हैं जिनमें कि जो पिकअप है होता नहीं, सिर्फ एक जैक सॉकेट होता है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास कैप्स का ये गिटार है, ये एक OEM गिटार है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपको जैक सॉकेट मिल जाता है जिसमें आप केबल कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस साइड अगर आप देखेंगे तो कोई पिकअप नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, इस तरीके के जो सेमी एकॉस्टिक गिटार होते हैं ये इतने अच्छे नहीं होते, क्योंकि इसमें कोई कंट्रोल सिस्टम नहीं है, वॉल्यूम नॉब नहीं है, कोई इक्वलाइजर नहीं है। तो ऐसे गिटार मैं कहूँगा आप अवॉइड ही करिए। इसकी जो साउंड भी होती है वो इतनी अच्छी निकल के नहीं आती एम्पलीफायर से। तो अगर आप किसी रिटेल स्टोर से लेते हैं और आपको कोई शॉपकीपर कहता है कि नहीं जी ये सेमी एकॉस्टिक है, बहुत अच्छा है, इसको ले लो आप, इसका प्राइस भी कम है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो सेमी एकॉस्टिक गिटार है वो वही अच्छा है जिसमें आपको इक्वलाइजर पिकअप मिल जाता है। और इस तरीके के जो सिंपल एक यहाँ वायर अटैच करके दी है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने सिंपल एकॉस्टिक गिटार को अपग्रेड भी कर सकते हैं एक सेमी एकॉस्टिक वेरिएंट में। बस सिंपल ये चीज़ है कि पिकअप जो है वो आपको अलग से भी मिल जाती है मार्केट में, चाहे वो फिशमैन की है, चाहे वो लोकल किसी ब्रांड की हो, आपको सारी तरीके की एकॉस्टिक गिटार की पिकअप्स मिल जाती है मार्केट में। आज अगर आपको एक सेमी एकॉस्टिक गिटार की ज़रूरत नहीं है तो कोई नहीं, आप एक अच्छा सा सिंपल सा एकॉस्टिक गिटार लीजिए, और कल को अगर आप कोई प्रोफेशनल गिटारिस्ट बनते हैं या आप स्टेज परफॉर्मेंसेस करते हैं काफ़ी, तो आप उस सिंपल गिटार में एक पिकअप लगवा सकते हैं बाहर से, तो उससे वो आपका गिटार सेमी एकॉस्टिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, तो वो भी कमेंट करिए, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ उस बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय।